नहीं इसको कि मैं नहीं जानना चाहता दृष्टि की करेगी, मैं जानता हूँ तो फ्यूचर भी ब्राइट ही रहेगा। तिवास जी तुसे की कह रहे पर मैं जानना चाहनी है मेरी दृष्टि दे भविष्य विच की है। साडना मैम की करेंगे दृष्टि दे भविष्य जान के, मेरे भी दिमाग च होने आया बच्चे था हजे बहुत छोटे ने, वड्डे होके की होएगा किन्नू की पता। नहीं आई डोंट थिंक सो, ऐसा सच भी होता है? नहीं पर रुद्राणी जी तुसी दृष्टि दा भविष्य वेख के दसो मैनू। ओए 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 की देखदा सी? आई एम सॉरी नैन, तैनू नहीं दस सकता कि मैं दृष्टि दा हाथ वेखण तो क्यों मना कर रहा। मन इन्हां दे भी सब संभाल लेना। रुद्राणी जी इन्हां नूं की हो गया, इदां दा की देख लिया? रुद्राणी जी नहीं, इन्हां नूं इन्हां दे रूम च लेके जाना पएगा। चल भविख च ऐदा का की देखा होना रुद्राणी ने, मैनू ओ कोल जाना चाहिए। तवान से फटाफट डॉक्टर नू फोन कर। हाँ पता नहीं मैंने ऐसा की देख लिया कि एकदम तो बेहोश हो गए। हेलो डॉक्टर साहब। आही तो मैं जानना चाहनी हाँ, जो कुछ भी है मैनू रुद्राणी नू पूछना पेगा, पर इस तो पहला मैनू तांत्रिक नाल गल करनी पेगी कि उन्हें नयन नू मारन लई रुद्राणी नू क्यों चुनिया। बो रीटा हुण की तकलीफ है? पापा जी मैं ये जानना चाहनी हाँ कि रुद्राणी आखिर है कौन, तो तुसी इनू ही नयन दा मर्डर करने वास्ते क्यों चुनिया है?
यह सवाल तेरे दिमाग अचानक क्यों आया? बाबा जी नहीं, ये नहीं हो सकता। बाबा जी उन्हें बेहोश होने तो पहला ये बोलिया सी, ये नहीं हो सकता। मैं ये जानना चाहनी हाँ कि की नहीं हो सकता। कौन है दृष्टि? आखिर रुद्राणी ने दृष्टि दे विच इहो जिहा की वेख्या? क्यों वेखते सारे बेहोश हो गए कि दृष्टि आम बच्ची नहीं है? कि ओदे विच भी कोई खास शक्तियां ने? तेरे इन सारे सवालों के जवाब रुद्राणी ही दे सकती है। सिर्फ ओही जानती है कि उन्हें अजिहा की देखा जिसनू देख के वो बेहोश हो गई। पर मैं तेनू इन्ना सिर्फ दस सकता कि मैं रुद्राणी नू नैन नू मार ली इसलिए चुनिया क्योंकि वो एक बहुत शातिर औरत है। वो पैसे ले कुछ भी कर सकती है। हाँ, वो जिद्दां दी दिखती है उतां दी है नहीं। पर बाबा जी तुसी मेरे तो ये गल क्यों लुकोई कि वो सप्पां दी जाति नाल संबंध रखती है? ते उन्हें गले विच जड़ा हार पाया होया वो कोई आम हार नहीं, ओदे विच ता बहुत ज्यादा ताकत है। क्योंकि मैं जानता सी कि ये सब गल्ला तेनू अपने आप पता चल जाणगियां, इसलिए मैं तेनू दसण दी लोड़ नहीं समझी। पर तू इन्हां गल्लां दे चक्कर च अपना मकसद ना भुल। मैनू अपना मकसद याद है बाबा जी, मैं अपने हाथ खून नाल नहीं सी रगड़ना चाहुंदा। इसे लई नैन नू मारन वास्ते मैं रुद्राणी नू घर लैके आई। मैनू नैन दे बर्थडे दा इंतजार है तां कि मैं उस दिन नू नैन दा मरण दिन बना सकां। ते नैन अपनी धी नू कदे भी ना मिल सके। तू बस ऐदा ही अपने मकसद वाल ध्यान दे, इस बार जित तेरी ही होगी। हाँ बाबा जी जित तो मेरी ही होगी। नैन नैन इन्हों होश आ रहा है। रुद्राणी जी क्या ना रुद्राणी जी आराम ना बैठ, हुण किवें लग रहा है तुहानू? मैनू की होया सी, मैं बेहोश हो गई सी। हाँ जी दृष्टि का हाथ पेकते वेखदे अचानक तुहानू पता नहीं की हो गया। ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨੈਣ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੈਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੀਟਾ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੰਨੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨੈਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਦਿਵਾਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। लगता है इन्हां नूं पता लग गया कि दृष्टि मेरी ते नैन दी थी। दृष्टि पंडित गोपाल दास शास्त्री जी की दोतरी है, पर की गल हुई? पंडित जी की धी कित्थे है? उन्हां दी धी ते उन्हां दा चवाई कार एक्सीडेंट दे विच मर चुके ने। पंडित जी कल्ले सी दृष्टि की देखभाल करन दे लई, इसलिए मैं ते देवांश जी ने दृष्टि नूं गोद लैण बारे सोचा।
पर अचानक ये सब सवाल क्यों कर रहे हो तुसी? तुसी कदी पंडित जी दी धी नूं देखिया सी? नहीं नहीं देखिया रुद्राणी जी, अचानक तुसी ये जो सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैंने दसो कि दृष्टि की जिंदगी के ऊपर कोई खतरा है? जो कोई इदा की गल है तो मैंने दसो, क्योंकि मैं तो देवांश जी ने पंडित गोपाल दास शास्त्री जी को पता किया सी, किसी उन्हें दृष्टि में कदम कुछ नहीं हो देंगे, उन दृष्टि साड़ी जिम्मेदारी। मैं अपनी पूरी जिंद जान लगा के दृष्टि को बचा लांगी, पर जे कोई चाहिए कल है तो पीछे चकोगे दसो सानू। मैनू दृष्टि के हाथ विच दिवांश की मां का चेहरा दिसना ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਰੁਦਰਾਣੀ ਜੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੋਲੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਰੁਦਰਾਣੀ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੱਚ ਨੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। दृष्टि की मां जिंदा है क्योंकि नैन ही दृष्टि की असली मां है। बस किसी तरीके है राज नैन आप जान जाए। मेरी मां नैना देवी अगे यही अरदास है। ये मां जिंदा है? पर ये तो कितना हो सकता है? जो दी मां जिंदा है तो कितने है? पंडित गोपाल दास जी ने सानू झूठ क्यों बोलिया कि उन्होंने पीते जवाई मर चुके हैं? पीछे भर के बंदे जो सारा दिन पूजा पाठ करते हैं इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेंगे रुद्राणी जी? आखिर चल के रहे? मैं कुछ समझ नहीं आ रही। मैं उन्हें सवाल का जवाब पंडित जी तो लेने पैण के मैं जाना पाएगा। जो दृष्टि दिमाग जिंदा है तो कितने हैं? मैं पंडित गोपाल दास शास्त्री जी को जाना ही पाएगा। नयन, 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 तू अचानक कैसे? मैं थे थोड़े को दृष्टि की मां बारे कुछ सवालों के जवाब लेना। हाँ हाँ, दस की जानना चाहनी है? गुरु जी ने मैनू दस्या कि रुद्राणी जी दे कोल अजिही नागमणी जिहदे नाल ओह बच्चों का भविख वेख सकती, ते जद उन्होंने दृष्टि का हाथ वेख्या उन्होंने झटका लगी। जे दृष्टि की मां जिंदा है तो दृष्टि साढ़े कोल की कर रही? मैं बेहोश होने तो पहला ये तां किया ये नहीं हो सकता, क्योंकि दृष्टि की मां जिंदा है। उहदी मां ते जिंदा हुंदिया होया भी तुसीं दृष्टि नूं मैनूं गोद लैण लई मजबूर क्यों किया? दृष्टि दे मां नूं छड्ड के क्यों चले गए? आखिर अजिही कि चीज़ है जिहड़ा तुसीं इन्ना वड्डा सच मेरे तो लुकोया? मैनूं सच्चे दसो, दृष्टि की मां कित्थे है? क्योंकि तुसीं तां मैनूं इह कहा सी एक एक्सीडेंट दे विच तुहाडी धी जवाई दोनों की मौत हो गई। उस दिन की होया सी मैं सच पूरा जानना चाहनी हाँ पंडित जी। हाँ नैन, ये सच है कि दृष्टि के माँ प्यो का एक्सीडेंट होया सी ते उन्हां दी गड्डी खड्ड च डिग पई सी।
चुआई की लाश तो मिल गई सी, पर दृष्टि की मां की लाश तो हजे तक नहीं मिली। जो पुलिस नू महीनिया तक लभन के बावजूद भी कुछ नहीं मिलिया तो यह केस बंद कर दिता गया। होने ने महीनों के बाद जे तू कहे कि दृष्टि की मां जिंदा है तो कित्थे है, किस हाल च है, यह तो कोई नहीं जानता ना। फिर जे दृष्टि की मां जिंदा भी है तो अपने होशो हवास च होंदी तो एक बार तो वापिस आती ना दृष्टि वास्ते, पर अजिहा तो कुछ भी नहीं होया। एदा मतलब है कि जे दृष्टि की मां जिंदा भी है तो हो सकता है कि ओदी याददाश्त चली गई होवे, जो अपनी धी ते परिवार नू भुल चुकी होवे। देख नैन, मैं नहीं जानता कि रुद्रानी झूठ बोल रही है कि सच, पर दृष्टि हूँ तेरी जिम्मेवारी है। साढ़े लिए ते समाज दे लिए तू ही ओदी मां है। पंडित जी ठीक कह रहे हैं, मनिया के दृष्टि की मां जिंदा, पर हो सकता है कि उन्होंने याददाश्त चली गई हो, क्योंकि जो उन्होंने याददाश्त होंगी तो कोई भी मां अपने बच्चे तो इतना टाइम दूर नहीं रह सकती। नयन मेरी गल तो सुन, पंडित जी को फोन करके दसदा। चुको पंडित जी, हेलो हेलो पंडित जी, पंडित जी मेरी गल ध्यान ना सुनना। रुद्राणी जी ने नयन को दस दिता कि दृष्टि की मां जिंदा है, जो कि सच भी है, पर नयन को ऐसा लग रहा है कि तुसी उन्हें झूठ बोले कि दृष्टि की मां मर चुकी है। ऐसी पंडित जी बहुत गुस्से चाहते कि तुहाडे कोल ही आ रही है, बस तुसी कुछ भी करके नयन के सामने यह साबित करना है कि दृष्टि मां जिंदा जरूर है, पर वो दृष्टि तक कदे नहीं पहुंच सकती। हाँ हाँ देवांश, मैं ध्यान रखांगा। ठीक है पंडित जी। हे मां नैना देवी, अज गुरु जी की भविखबाणी का मान रखने लिए मैनू नैन के सामने झूठ बोलना ही पेगा। पता लग गया सर, नैन पंडित जी ने सानू कदे झूठ नहीं बोलिया, उन्होंने उन्ना ही बोलिया जिन्ना वो जानते सी। शायद सब ने मान लिया होना कि दृष्टि की मां इस दुनिया च नहीं है। यह तो चमत्कार ही है कि रुद्राणी जी के थ्रू सानू पता लग गया कि दृष्टि की मां जिंदा है। चलो मान भी लें कि सीधा पंडित जी ने कहा कि इस हादसे के विच हो सकता है कि दृष्टि की मां की याददाश्त चली गई हो, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ ਵਾਪਿਸ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਖੜ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ दुनिया के अपने बच्चों तो उपर कुछ नहीं होंगे। एक बच्चे को खोन का दुख मेरे तो ज्यादा चंगी तरह कौन जान सकता है। तू ठीक कह रही है नैन, एक मां लिए अपने बच्चे पालने तो वो कुछ नहीं होंगे।
ते हुण तू भी अपनी धी तक छेती पहुंचेगी। पूरा भरोसा है मैनू। पंडित जी, जे मैं थोड़े नाल गुस्से च आके गल कीती होए तो ओहदे लई माफी मंगदी। नहीं नहीं नैन, मैं तेरी तकलीफ नूं समझ सकदा। असीं चलदे। माफ करना पंडित जी, तुहानू दृष्टि करके एक बार फिर नैन तो झूठ कहना पिया। पर पंडित जी, जे तुसी नैन दे दबाच आके उन्हें सब कुछ सच दस देंदे ना, तो गुरु जी की भविखबाणी सच हो जानी सी। जिदे दो नुकसान से, जे तुहानू कुछ हो जाता तो वह इल्जाम नैन ते आ जाना सी। ऐसे लिए मैं नैन दे जन्मदिन का बेसब्री नाल इंतजार कर रहा। चमत्कार उस दिन होएगा। हुण तुहानू ज्यादा दिन नैन तो झूठ नहीं कहना पड़ेगा।